देखिए कितने बड़े बड़े प्लेयर हमारे यहाँ पे पहुंचे हैं, हमारा सौभाग्य है। इस बार अच्छी गेंद, और इस बार गेंद को निकाल दिया, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, बिल्कुल देखिए। हाँ जी, तो आज से कुछ टाइम पहले मैं एक क्रिकेट मैच देखने गया था हिसार। शोल्डर की वजह से मैं क्रिकेट खेल तो नहीं सकता, मगर देख तो सकता हूँ। तो वहाँ पे हमने थोड़ा व्लॉगिंग श्लॉगिंग कर ली थी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं एक स्टार खिलाड़ी से। तो भाई मैच देखना है थे बड़े खिलाड़ियों के साथ, हरियाणा सैंडी भाई की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एएसपीएन में जाना, संदीप तोमर लिखना आ जाएगा। बाकी हमारा नागर भाई आया है, उसका भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। सैंडी भाई चार नंबर 14 ओवर का मैच है, देखते हैं भाई। उसके बाद टॉस हारने के बाद हमारी टीम की आई बैटिंग, और उसके बाद शुरू हो गई टीम की प्लानिंग। इतना मतलब भिड़ भिड़ के खेलेंगे ना, उतना हम ऊपर रहेंगे, बस ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो 1-2-3 पेट्रो। फिर हमारी टीम का एक ओपनर बैट्समैन यश भाई क्या ही बैटिंग कर रहा था। इस बार एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब दर्शनीय स्ट्रोक, स्पिन आक्रमण दूसरे ओवर से ही, और इस बार एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया है। फिर हमारी टीम का स्कोर 3 ओवर 30 रन, और जिस घड़ी का मुझे बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी थी, संदीप भाई की बैटिंग। सैंडी भाई के साथ मैंने 7-8 साल क्रिकेट खेली है, तो सैंडी भाई एक मोमेंट ऐसा क्रिएट कर देते हैं जहां पूरी टीम की सांस रुक जाती है, तो वो देखो आप। और इस बार गेंद को उठाकर खेला बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर, फील्डर उस ओर आ रहे हैं, और लाजवाब एफर्ट, बेहतरीन प्रयास। और एक बात और, 6th क्लास से पहले मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली है वो सारी मार्क बॉल क्रिकेट, और 7th क्लास में मुझे सैंडी भाई ने सिखाया लेदर बॉल पकड़ना, लेदर बॉल से खेलना। तो तुम ये कह सकते हो सैंडी भाई मेरे पहले क्रिकेट कोच। फिर जितने लोग केवी की स्कूल क्रिकेट टीम से खेले वो इस लड़के को भी पहचान जाएंगे। बॉलिंग बॉलर है वैसे, अभी पहले बैट्समैन, जमाने बदल गए। फिर सैंडी भाई ने मारा एक कड़क चौका। देखिए कितने बड़े बड़े प्लेयर हमारे यहाँ पे पहुंचे हैं, हमारा सौभाग्य है। इस बार अच्छी गेंद, और इस बार गेंद को निकाल दिया, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, बिल्कुल देखिए। फिर हो गए सैंडी भाई आउट, और एक यहाँ पे जो अगली गेंद के साथ है, और इस बार देखिए क्लीन बोल्ड, बिल्कुल। तो स्कूल टाइम से ही सैंडी भाई का एक खौफ है जो मैं सोचता था खत्म हो गया होगा, बट आज भी चल रहा है। तो जब सैंडी भाई आउट हो जाते ना, उनके पास दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है काफी टाइम। टीम का स्कोर 8 ओवर 57 रन 4 विकेट, और बैटिंग आई हमारी सत्यम की। तो सत्यम ने 2-3 तो बहुत तगड़े चाबुक शॉट मारे, ने मना किया इस बार दीपक को, और इस बार आगे आकर गेंद को खेल दिया है, बिल्कुल देखिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन, क्या लाजवाब स्ट्रोक है, देखिए किस। फिर उसके बाद वो भी आउट, लाजवाब स्ट्रोक, जबरदस्त छक्कर सीध किया यहाँ पर सत्यम ने, और इस बार गेंद को स्वीप करने का प्रयास, पैंट से टकराई और LPW आउट हो गए वहां पर। सैंडी भाई कितने का टारगेट? 113 कम पॉइंट जाएंगे, कोई बात नहीं, चलो ऑल द बेस्ट, टिकट बढ़िया है, देखो क्या होता है। ठीक है भाई, टिकट थोड़ा 112 ही बनाया, कम बनाया, बट कोई बात नहीं, अभी पूरा मैच बच रहा, देखते हैं कौन जीतता। फिर मिलाता हूँ मैं आपको अपने एक और दोस्त से जिसको काफी लोग जानते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर अंकुश नागर, जो कि एक विकेट भी ले गया। तो मैच के दौरान मुझे अपना एक फ्यूचर भी दिख गया, तो हम करा करेंगे क्रिकेट लाइव प्रसारण, सही बोला ना, प्रसारण। तो क्रिकेट मैच के दौरान आपने देखा होगा कभी भी कोई फील्डर कैच छोड़ता है तो कमेंटेटर उठ के खड़े होके एक ही चीज बोलते हैं, कैचेस विन मैचेस, और वही हमारी टीम के साथ। 93, 2 विकेट के नुकसान पर, इसी बीच इस गेंद को फिर से उठाकर खेल दिया, इस बार फील्डर वहां पर जरूर है कोशिश,
शायद अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करनी होगी 6 रनों के लिए। तो स्कूल टाइम पे ना एक रिवाज था, अगर तुम मैच हारते हो ना तो तुम सैंडी भाई के पास नहीं जा सकते, पर तुम्हारे भाई रिवाज तोड़ दिया और एक बार हार के। सैंडी भाई ये तो ऐसे मैच है, थोड़े प्रोफेशनल है, स्कूल के टाइम में अभी तक सब गाड़ी में जितने बैठे हैं सब पिट थे। ठीक है, सैंडी भाई का मूड खराब रहता है मैच हारने के बाद, कोई बात नहीं, होता रहता है सैंडी भाई, चलता रहता है, एंजॉय। हाँ जी, तो मैच तो हम हार गए कोई बात नहीं, बट लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अगला वीडियो जो टेक वीडियो आ रहा है वो कैसा होगा, तो वो थोड़ा रिव्यू टाइप वीडियो होगा, काम चल रहा है उस पर, जब पूरा हो जाएगा तो डल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे, पीस आउट।